हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी खबर और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक बार लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मित्रों, हम आज आपके लिए जो वीडियो लाए हैं और स्पेशली ये जो वीडियो है वो है सीनियर सिटीजन को समर्पित। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्श को बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं वो अब जान चुके हैं, ऑपरेट करना भी सीख गए और उसको बखूबी प्रोफाइल वगैरह चेंज करना भी यहाँ पर जान गए, और वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है अभी हम उम्र के लिए। लेकिन बात करते हैं हम लोग 60, 70, 80, 90, तो उनके लिए एक आफत की जड़ है। बात समझ रहे हैं? उनको कोई टेंशन नहीं था, बस बैंक जाते, पेंशन निकाल के ले आते, अपना खर्चा जीवन यापन बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन अब ये स्पर्श का जो लफड़ा आया ना, मैसेज जैसे ही स्पर्श से आता है कि आपका माइग्रेशन हो गया, तो दिमाग का टेंशन बढ़ जाता है। अरे यार, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, आप शांत पड़े रहिए। 15 दिन में अपने आप प्रोफाइल सेट होके स्पर्श के माध्यम से आपकी बैंक में यहाँ पर जो पेंशन आ रही है यथास्थिति सीमित जैसी चल रही थी वैसी यहाँ पर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या सुविधा मिलेंगी स्पर्श से। देखिए, स्पर्श से मैं बता देता हूँ, आप अपनी पर्सनल जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, पीडी भी कर सकते हो। अपनी यूज़र आईडी को आप लोग चेंज कर सकते हो, पासवर्ड बदल सकते हो। जीवन प्रमाण पत्र आप स्पर्श के माध्यम से जमा कर सकते हो। आप अपने पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हो, हर महीने की जो वेतन पर्ची है उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग एरियर जो आ रहा है उसकी पर्ची देख सकते हो। आपके पास जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी ओआरओपी की जो कैलकुलेशन जो सीट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या पता था किस हिसाब से ORP2 मिला है, आपकी क्या किस तरीके से कैलकुलेशन करिए। लेकिन उसमें स्पर्श में पूरा वन बाई वन स्टेप से आपको बताया है, सारा एवरी ईयर का बताया है, एवरी मंथ का बताया है कि यहाँ पर आपको किस हिसाब से यहाँ पर ORP2 की या 3 की या 4 की या फर्स्ट की कैलकुलेशन कैसे करिए जो सीट में। तो बहुत ही यहाँ पर ये मदद मिली है। अपना डाटा जो है उसको आप लोग व्यक्तिगत ज़्यादा पर्सनल जो आपका डाटा है उसको आप लोग सही कर सकते हो। अभी सही करवाना होता तो कितने चक्कर लगाने पड़ते, कहाँ कहाँ भागना पड़ता। अभी क्या है, कागज अपलोड करना है, नाम चेंज करना है, बस हो गया। तो किसी चीज़ को हम लोग बड़ा हुआ करके लेते हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा इशू करके लेते हैं, तो बहुत बड़ा ही हो जाता है। अगर उसको हम सॉल्व तरीके से देखें, एक टेंशन फ्री तरीके से देखें, अरे नहीं इसने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जो उम्र दराज लोग हैं उन पे क्या है ना, वो चीज़ ऑपरेट नहीं करनी आ रही। तो उसके लिए मैं आपको समाधान बताऊंगा, टेंशन ना लें। देखिए, उसका यहाँ पर ऑप्शन है, आप उसका यूज़ करें। तो अभी इसके बाद में यहाँ पर पेंशन जो बैंक खाते में जो है परिवर्तन कर सकते हो, आप लोग खाता भी चेंज कर सकते हो, बैंक खाते में परिवर्तन कर सकते हो। अभी आप लोग यहाँ पर जो पेंशन आ रही है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी एक्स सर्विस मैन है वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो फैमिली पेंशन के लिए आप वहीं से कर सकते हो। तो उतना करना कितना भागना पड़ता था उसके लिए। आप लोग पहले से ही यहाँ पर जो स्पर्श में नॉमिनी है उनको ऐड करके उनका नाम सही कर सकते हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हो, घर का पता बदल सकते हो आप लोग अपने का। आप अपनी जो पेंशन और जो जितनी शिकायत हैं आप उन सब पर यहाँ पर आप लोग ग्रैवेंस अपडेट कर सकते हो स्पर्श के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, सुविधा तो है, लेकिन अब वो चलाना नहीं आ रहा या उसके साथ हम अपडेट नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए विकल्प क्या है? आप अपने शहर में जो है आप सर्च करेंगे स्पर्श सेवा केंद्र, तो बहुत सारे स्पर्श सेवा केंद्र आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। अब सरलतम क्या है, आप लगभग 3,958 स्पर्श सेवा केंद्र हैं। अब उन तक पहुंचने का आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास कौन सा है? तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बता दूँ, आप उसको फॉलो करना। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग स्पर्श की साइड पर जाएंगे। स्पर्श की साइड पर जाने के बाद जो भी साइड है सर्विस सेंटर लोकेटर पर क्लिक कर देंगे। वहाँ सर्विस सेंटर लोकेटर पर क्लिक करने के बाद अब फिर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हजारों स्पर्श सेवा केंद्र मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे कि उसमें जो भी है अपना पिन कोड जो है दर्ज कर देंगे। तो जो भी आपके पास होंगे, जो भी स्पर्श सेवा केंद्र आपके पास होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टेप है यहाँ पर, और आप उसको देख सकते हैं। और आप जो भी आपका पास पड़ रहा है स्पर्श सेवा केंद्र, स्पर्श सेवा केंद्र खोजने के लिए कुछ स्टेप, आप लोग सबसे पहले स्पर्श टाइप करें।
स्पर्श टाइप करने के बाद सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करें, फिर इसको ओके कर दें। एंड देन यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक करें और फिर इसके बाद सर्विस सेंटर लोकेटर पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करें। इसके बाद नीचे ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्च कहाँ करें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए एक बार इस पेज को ऐसे करके नीचे ले जाके एक बार ऐसे रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद ओके करें। इसके बाद नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, इधर निकल जाएं थोड़ा सा नीचे। अभी यहाँ पर ये नहीं आया है, तो एक बार प्रयास फिर करें, पुनः करें प्रयास। आप सर्विस सेंटर लोकेटर में जाएं, इंतज़ार करें, फिर आप लोग यहाँ पर देखें दोबारा जाके। तो अभी स्पर्श लोकेटर सेंटर आ रहे हैं, लेकिन सर्च का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फिर एक बार रिफ्रेश करें। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एक दो बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब इसके बाद में यहाँ पर ये आपका सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप लोग स्टेट डालें, जैसे मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। अभी इसमें आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालें, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर आगरा। अभी इसमें पिन कोड डाल दें जो आपका पिन कोड है, जैसे कि यहाँ पर है 2001, सॉरी यहाँ पर है 28 2001। अभी यहाँ पर सर्च करें। सर्च करने के बाद आप लोग नीचे रिजल्ट पर जाएं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या है, वो जो 6 एंट्रीज हैं यहाँ पर आगरा की निकल के आ गई हैं। आप लोग इसको टैप करोगे यहाँ पे, तो ये पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सदर बाज़ार, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में है ये, इधर ये यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में है, सब्जी मंडी में है। इधर ICICI बैंक में है, इधर यहाँ ICICI बैंक आगरा में है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सर्विस सेंटर को खोज सकते हो। आप वहाँ से उसके पास जाके अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो जो DA है वह 42 से 46% हो गया है, और जो भी यहाँ पर हमारे सैनिक हैं, भाई हैं, उनको यहाँ पर 7,000 रुपये दिवाली का बोनस भी मिल गया है। तो देखिए जो चीज़ जिसकी अच्छाई है वो करनी चाहिए, समय से सारी चीज़ होती रहें, ORP 2 की विसंगतियाँ ख़त्म कर दें। अभी जो भी यहाँ पर एक्स ग्रुप का लफड़ा जो बना है उसको ख़त्म कर दें। MACP वगैरह के जो भी हैं यहाँ पर उनको सही तरीके से कानून लागू कर दें। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर DA DR समय पर देते रहें, एरियर हमारा आ ही जाए और 18 महीने का एरियर भी दे दें। तो फ्रेंड्स बताइए, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग इससे अच्छी सरकार कौन सी है? कोई नहीं है फ्रेंड्स। जो सभी लोगों का हित करे वही अच्छी सरकार होती है। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रवक्ता नहीं बनना भाजपा का, न मैं यहाँ कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, न मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि देखिए जो भी यहाँ पर लोगों का हित करे वही सरकार अच्छी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ। मैं अगर हित कर रहा हूँ आपका तो मैं भी अच्छा हूँ, अगर मैं अहित करूँगा तो फिर मैं भी बुरा हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी हमारा हित करता है, जो भी हमारी भलाई करता है, वही हमारे लिए अच्छा नेता होता है और अच्छी पार्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी क्या राय है इस बात पर, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।